असलमैल शाहजहान सुहा आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों ये वीडियो आसिफ भाई के चैनल के लिए बनाई जा रही है आसिफ भाई की फरमाइश पे और ये वीडियो वाइट यू ट्रैक्टर आर ट्रैक्टर की रनिंग पे बनाई जा रही है जैसे कंपनी ने बताया वैसे हम आपको इन शह बताएँगे दोस्तों वीडियो पर लाइक की बारिश कर देना और वीडियो को मुकम्मल देखना तो इन श्ला आपका बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों शुरुआत इंजन से करते हैं क्रेंग चार पिस्टन वाली है तो उसके पाँच मेन होंगे अगर पांच मेन है उसमें एक मेन थोड़ा सा लूज़ है और पांच चार मेन उसमें टाइट हैं तो वो जल्द करेंक अगर आप उसकी रनिंग नहीं करेंगे तो जल्द करेंक टूट जाएगी क्योंकि उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन बनेगी अगर आप उसकी रनिंग करते हैं सौ दो सौ घंटा समझो आराम से चलाते हो तो उसका वो समझो कि थोड़ा सा मैच हो जाएगा बराबर हो जाएगा मेन समझो थोड़ा सा लूज़ है और दूसरे टाइट हैं तो वो सब लूज़ हो के बराबर हो जाए मेन पीस हैं पीस में मेन में जब वो दाग लग जाते हैं पीस में इसी वजह से दाग लगते हैं कि वो रनिंग नहीं हुआ उसमें पॉलिश नहीं लगी उसमें सटील नहीं बना शीशा नहीं बना आपने लौट दी और उसमें झरी दाग लाग हेड है हेड में वाल होते हैं वाल की गाइडें होती हैं जब थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए या उस पर ओवरलोड आप करोगे तो वो गाइडें सीज़ कर जाएंगी और इंजन आवाज़ देना चंद दिनों के बाद शुरू हो जाएगा फिर खुलाना पड़ेगा बहुत बड़ा मसला बन जाएगा क्रैंक हेड ये मेन चीज़ें हैं बहुत ट्रैक्टर के लिए और इसकी जैन है सीले हैं रिंग हैं अगर आते ही ट्रैक्टर पे जुलम करोगे वो हार्ड हो जाएगी गर्म होगी हार्ड हो जाएगी जब गर्म होती है चीज़ ठंडी होती है बार बार रबड़ गर्म ठंडा होता है ना आते ही तो वो हार्ड हो जाता है अगर चंद दिन वो आराम आराम से गर्म होता है आराम से ठंडा होता है तो उसका मसला नहीं दोस्तों पीछे गेयर पर जो गेयर है, इसका कहती है बड़े आराम से को चलाएं वो बहुत टाइट है उसमें कोई प्ले नहीं कोई भी है, वो गेयर में पल नहीं रखती क्योंकि अगर शुरुआत से भी प्ले हो तो दिनों के बाद क्या हाल होता है तो वो गेयर बहुत टाइट होता है गरारी है बुश है उसका बैरिंग है उसमें कोई पले नहीं अच्छा वो आराम से चलाओगे उसका नया आयल है वो पालश बनाएगा पॉश उसमें बनेगी उसमें शीशा सटील नुमा बनेगा तो वो कई साल तक वो गरारी चल सकती है वो बैरिंग चल सकता है अगर आप उसकी रनिंग नहीं करते हैं गरारियाँ हैं ना न्यू गरारियाँ हैं उनके दांत हैं समझो वो वर्किंग कर रहा है उसके दांत काम कर रहे हैं तो जो दो दांत आपस में टकरते हैं लगते हैं यहीं पे वो जोर लगाते हैं तो वो जगह सूई के बराबर पहले दिनों में लगती है और उसके बाद जब उसकी पालश बनती है थोड़ा सा उसमें प्ले बनती है वो पूरे जो दांत हैं वो दोनों आपस में मैच हो जाते हैं और उसमें समझो कि ऑप्शन बढ़ जाता है ताकत बढ़ जाती है फासला उसका लगने का आपस में बढ़ जाता है ताकत बढ़ने से वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है अगर आप आते ही जुलम करोगे तो वो नई गरारी के दांत हैं उस पर पॉलिश अभी तक वो पॉलिश नहीं बनी जो कंपनी पॉलिश बना के देती है वो अलग है उसमें थोड़े बहुत दाग होते हैं जो चलने से सटील नुमा एक उसकी पॉलिश बनती है वो अलग है दोस्तों जो पुरानी गरारियाँ निकलती हैं या जाके कबाड़ में देख लो पहले आज से पच्चीस साल तीस साल पहले जो ट्रैक्टर आए थे वो लोग बड़े अच्छे से रनिंग करते थे आराम से चलाते थे तो आज वही जाके गरारियाँ देख लो शीशे की तरह पड़ी हैं जो आज ट्रैक्टर आ रहे हैं लोग कहते हैं कि यार हमने तो सेल करना है छः माह तक इसको मार लेते हैं फिर सेल कर देंगे अल्लाह पाक कर ना ऐसा होता है कि छह माह के अंदर वो खराब हो जाता है और उस पर हजारों का खर्चा हो जाता है तो आप जहन में ये ना सोचें कि रनिंग बगैर इसको चलाएंगे और कामयाब कोई ट्रैक्टर भी है वो रनिंग के बग़ैर कामयाब नहीं होता है उसके उसकी समझो कि बैरिंग की गोलियां बहुत सख्त हैं थोड़ा सा उस पर जुलम होगा वो बैरिंग फौरी टूट जाएगा हार्ड लोहे से बैरिंग बनाए जाते हैं गरारियां बनाई जाती हैं दांत से कचरा निकल गया दांत में थोड़ी सी एक आ गई तो वो सारा कुछ गेर पूरे को ख़राब करके रख देगा जल्द आप खुलाओगे नहीं आप कहो कि यार इसमें आवाज़ तो है लेकिन इसे चलने देते हैं वो फिर सारा गियर ख़राब हो जाएगा दोस्तों इसका जो आयल होता है 1500 घंटे तक इसका आयल कोई ट्रैक्टर भी है उसका आयल नहीं निकालना चाहिए लोग कहते हैं कंपनी पहला आयल तो सफाई के लिए डाल देती है यार इसमें कोई ख़राद चल रही है इसमें कोई वेल्डिंग का काम हुआ था जो सफाई का आ, सफाई के लिए कंपनी ने डाला है न्यू आइटम है न्यू पुरजे हैं सब उसमें सफ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं साफ़ है और उससे साफ आपने रखना है कि मैं पानी नहीं जाने देना है 1500 घंटे के बाद उसे निकालें और गेयर आयल में सीएल ना डालें अगर आप सीएल डाल देते हैं वो स्प्रे नहीं करता है ऊपर उठता नहीं है गरारियों में नहीं जाता है बैरिंग में नहीं जाता है एक्सलो में नहीं जाता है वो तो नीचे नीचे चलता है नीचे तो समझो कि छः सात इंच होगा ना आयल लेकिन ऊपर कितने आइटम पुरजे होते हैं उन पुरजों आइटम तक आयल जाता ही नहीं वो गाढ़ा आयल होता है सीएल तो आपने जैन इसका जो आयल होता है वो पंद्रह घंटे चलाने के बाद आपने जो इंजन का अच्छे वाला आयल है वही गियर में डालना है जो पाकिस्तानी खुले आयल आप डालते हो कंपनी का निकाल के 1500 घंटे बाद खुला आयल डालो और खुला आयल डालोगे चांद दिन के बाद गियर से आवाज़ होगा आप कहोगे ट्रैक्टर में नुस्ख आ गया नुस्ख़्स नहीं आया आपके आयल में नुख्स आया जो पहले जैनवान था वो गाढ़ा बेहतरीन आयल था जो आपने दोबारा से डाला है खुला आयल वो तो लाहौर में दोबारा साफ़ हो के कालेयल साफ़ होके आते हैं उसमें कोई समझो चिकनाहट वगैरह नहीं होती है है, वो सारा कुछ खत्म होता है वो नाकिस आयल होते हैं ऐसा ना करें जो आप मास्टर का आ, रिमोला का पीएसओ का जो भी इंजन में डाल रहे हो वो ही इसके गियर में आयल डालो सीएल नहीं डालना बिल्कुल वरना स्प्रे नहीं करेगा ऑयल ऊपर उठ नहीं सकेगा सब गरारी बैरिंग में जाएगा नहीं तो ट्रैक्टर का काफी सारा नुकसान हो जाएगा आते ही इसको रनिंग करें पहले इसको खाली चलाएं खाली चलाने के बाद थोड़ा इस पर इंजन की समझो कि रनिंग जो आप को तो मैंने बताई है ख़ाली स्टार्ट खड़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं उसे सब गेरों में चलाएं जब हाल पे चलाएं अक्सर लोग क्या करते हैं कि राइट साइड पे चलाते रहते हैं या लेफ़्ट साइड पे चलाते रहते हैं तो उसकी सटारियाँ उसकी हांडी एक ही साइड समझो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्रेक की सब नहीं ऐसा ना करें लेफ्ट, राइट साइड दोनों साइडों पर चलाएँ दोनों साइडों पे चलाओगे तो वो सही से गियर आपका रहेगा एक साइड पे ना चलाना शुरुआत में ब्रेक इसे बड़ी सख्त ना दें ना मारें बिल्कुल हल पे जो काम पे भी हैं बड़े आराम से इसको ब्रेक लगाएं वरना ब्रेक अगर आप सख्त लगाते हो तो वो सीलें लीक हो जाती हैं या हल पे ब्रेक का इस्तेमाल शुरुआत में ज़्यादा किया सीलें साथ गर्म हो गई आयल गर्म हो गया बहुत सारे आइटम गर्म हो गए और गर्म हो के वो फिर समझो कि वो पॉलिश को ख़त्म करने लगा गया तो ज़्यादा देर तक भी ना चलाएं शुरुआत में समझो पाँच घंटे चार घंटे तक चलाएं खड़ा कर दें ठंडा करें सुबह जब शुरुआत में इसे स्टार्ट करें तो 20-25 मिनट दें गर्म हो जाए और इसका मैंने आपको बताया कि आयल बिल्कुल 1500 घंटे तक नहीं निकालना 1500 घंटे के बाद या 1000 या कम से कम 1000 घंटे पे जाके पक्का इसके सब काबले टाइट करना चेक करना 1000 घंटे से पहले भी अगर आप भारी काम पे लगाते हो तो इसके एक बार मेन बड़े काबले चेक करना ऐसा भी ना कि तोड़ देना या लूज़ करना ना चेक करना थोड़े थोड़े अगर ढीले हैं तो उन्हें टाइट कर देना क्योंकि अगर टाइट नहीं करोगे तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आयल हो सकता है कि लीकेज करना शुरू कर दे ये कंपनी कहती है हम कंपनी को फॉलो करते हैं और उन की ही बातें बताते हैं रनिंग ज़रूर करना वरना एक नया ट्रैक्टर ख़रीद के तबाह कर रहे हो चंद दिन के लिए समझो कि थोड़ा सा डीज़ल लग जाएगा लेकिन आज तो लोग कहते हैं कि यार इसको कोई रनिंग की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल लेकिन ज़रूरत है भाई अगर उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो उम्र चाहते हो तो उसको ज़रूर से रनिंग करो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना भाई के चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अल्लाह हाफ़िज़